पार्ट है और इंतहाई अहम है। लास्ट नंबर पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 पेपर के हवाले से इंतहाई अहम पार्ट्स हैं, तो लिहाजा इनको तवज्जो से देखिएगा बेटा, ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स बन सके। माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2L प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं R माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2L प्लस एम है एक्स माइनस एल प्लस एम है बच्चों हमारे पास इज इक्वल टू 0। हम इसे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू माइनस एल, बी इज इक्वल टू 2L प्लस एम है एंड सी इज इक्वल टू माइनस इंटू एल प्लस एम है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इसकी वैल्यूज को दर्ज कर देंगे। b की वैल्यू है हमारे पास माइनस इंटू 2l प्लस एम प्लस माइनस 2l प्लस एम इसका स्केयर है माइनस 4, a की वैल्यू माइनस l है और c की वैल्यू माइनस इंटू l प्लस एम है इसका स्केयर रूट हो गया बच्चों ओवर, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस एल। अब हम इसका स्केयर इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो और इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाता है माइनस 2 एल प्लस एम प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 एल का स्केयर यानी कि 4 एल स्केयर और ये आ जाएगा प्लस एम स्केयर प्लस 4 एल एम। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो ये आ गया 4 एल स्केयर माइनस 4 एल स्केयर और ये माइनस 4 एल एम स्केयर 4 एल एम स्केयर रूट है बच्चों ओवर माइनस 2 एल आ गया। अब ये 4 एल माइनस का और ये प्लस का कैंसल हो गए, ये 4 एल एम प्लस का और ये माइनस का कैंसल हो गए बच्चों तो हमारे पास बच गया माइनस इंटू 2 एल प्लस एम प्लस माइनस ये एम स्केयर बच गया स्केयर रूट है ओवर माइनस 2 एल। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास माइनस 2 एल प्लस एम प्लस माइनस ये आ गया एम स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2 एल आ गया आपके पास। अब हम इसको एम को एक दफा प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस में तो लिख कर देखते हैं कि क्या आंसर बनते हैं हमारे पास। एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एल माइनस 2 एम माइनस एम प्लस एम ओवर माइनस 2 एल है एम से एम कैंसल तो आपके पास आ गया माइनस 2 एल ओवर माइनस 2 एल तो ये दोनों एक जैसे हैं कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। अब हम एम को माइनस का दर्ज करके देखते हैं कि क्या आंसर बनता है। एक्स इज इक्वल टू
एक्स इज इक्वल टू ये आ गया बेटा हमारे पास माइनस टू एल माइनस एम माइनस एम लिखना है ओवर माइनस टू एल है। अब ये माइनस के हैं दोनों तो प्लस हो जाएंगे बट साइन जो लगेगी वो माइनस की लगेगी माइनस टू एल माइनस टू एम ओवर माइनस टू एल। तो इसमें से माइनस टू कॉमन निकाल लेते हैं माइनस टू कॉमन हो गया बच्चों तो ये आ गया हमारे पास एल प्लस एम ओवर माइनस टू एल है माइनस टू से माइनस टू कैंसल तो आपके पास आंसर आ गया एल प्लस एम ओवर एल ये आंसर है। ओके बच्चों तो ये हमारा इंतहाई अहम पार्ट था पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 9। अगेन कह रहा हूं कि इस वीडियो को तवज्जो से देखिएगा ताकि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स बन सके और मेरी कोशिश है कि आपको सारे क्वेश्चन करवाऊं और ताकि आपके 75 में से 75 मार्क्स आ सके। अगर आप में से कोई भी बच्चा 75 में से 75 लेना चाहता है तो वो इन वीडियोस को तवज्जो से देखे ताकि उसके पूरे मार्क्स बन सके। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।